बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इस कायनात का एक सबसे बड़ा सच है और वो ये है कि इंसान जो कोई भी हो और कुछ भी करे, लेकिन जब वो कुछ करने का इरादा करता है तो वो चीज हो कर रहती है। और आज देखना यह है कि यहाँ कौन जीत के इरादे से आया है, यानी यहाँ से कौन जीत कर जाना चाहता है लाखों का इनाम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सनम जंग, वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मेरे साथ आज यहाँ फिर 10 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, लेकिन मुझे और आपको तलाश है उस एक की जो कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी। तो आए आज के खिलाड़ियों से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रो, स्टार्टिंग फ्रॉम मुदस्सर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुदस्सर लोधी फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम अ फैशन डिजाइनर। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नायाब फ्रॉम हैदराबाद, आई एम फैशन मॉडल। अस्सलाम वालेकुम, माय सेल्फ इफ्तिखार अहमद फ्रॉम हैदराबाद, आई एम डायलिसिस टेक्नीशियन। अस्सलाम वालेकुम, आई एम नेहा ननवानी, आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम डूइंग माय टेक्सटाइल डिजाइनिंग डिग्री फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद शोएब है, मैं जाफराबाद बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ और MBA कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उजैर कोतवाल फ्रॉम हैदराबाद, आई एम स्टूडेंट ऑफ मेडिकल साइंस। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दुआ बलोच, आई एम डन BSc एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आई एम शाविज़ अहमद एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद, I am doing my BSc. Assalamu alaikum, I am Asan, I am from Hyderabad, I am doing BCom. I am Ghazal Baloch from Hyderabad, I have done MBA. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको गेम के रूल्स बताऊंगी, उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह आप खेलेंगे और किस तरह आप लाखों का इनाम जीत सकते हैं। इस एपिसोड में टोटल 9 राउंड होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाब देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 सही जवाब की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी, लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर ले जाएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले बजर दबाएं और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा और आप सिर्फ बैंक की भी रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज्यादा सही जवाब की चेन और बरवक बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। राउंड 1 3 मिनट का दुरानिया और टॉप प्राइज है 50,000 का मनी ट्रेल। जरा गौर से सुने, पहला सवाल 1,000 रुपये के लिए, दूसरा 2,500, तीसरा 5,000, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 15,000, सातवा 25,000 और आठवा 50,000 रुपये का इनाम। मुश्किल है मगर इतना भी नहीं, आसान भी है अगर आप साथ मिलकर एज अ टीम खेले। मैं आपको सिर्फ इतनी हिंट दूंगी, प्ले एज अ टीम। हर राउंड में एलिमिनेशन होगी, पूरी कोशिश करें कि जिसकी भी हो बस आप बचे रहें और आप डटे रहें और आप इंटेलिजेंटली खेलकर अपना रास्ता बनाकर राउंड 9 तक पहुंच जाएं और कोशिश करें कि कमज़ोर लोगों को पहले निकालें ताकि एक अच्छी टीम बने और ज़्यादा पैसे जमा हो सके। तो शुरू करते हैं राउंड 1। मैं शुरू करूंगी ऐसा आपसे शुरू करूंगी। अच्छा, एक और बात मैं तमाम लोगों को बताती चलूँ कि बैंक अगर नहीं करेंगे तो पैसे जमा नहीं होंगे। बैंक करने का वक्त, सही वक्त क्या है, जब मैं आपका नाम लेती हूँ SN या दुआ, दैट्स द टाइम जो आप बैंक बोले, यानी सवाल सुनने से पहले बैंक करेंगे तो माना जाएगा, उसके बाद नहीं माना जाएगा। SN टॉप प्राइस 50,000, वक्त 3 मिनट का शुरू होता है अब। सबसे छोटा परिंदा हमिंग बर्ड की कुल लेंथ कितनी है? 5 to 6 centimeter. करेक्ट। गजल, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी का रेडियस कितना किलोमीटर है? 2,440 km. करेक्ट। मुदस्सर, फादर ऑफ द ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? चार्ल्स ट्यू को। करेक्ट। नया फेमस मोटिवेशनल बुक थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर का नाम बताएं? नेपोलियन हिल। करेक्ट। उजैर बैंक बंदर सिरी बेगावन कहाँ का कैपिटल है? पास। ब्रुनाई अल्बेनिया की करेंसी क्या कहलाती है? लीक। करेक्ट। शोएब, WMO किस आलमी तंजीम की एब्रीविएशन है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। इफ्तिखार, एमनेस्टी इंटरनेशनल का कयाम कब अमल में आया? July 1961. करेक्ट। दुआ, 24 जनवरी को कौन सा इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। करेक्ट। शावेस बैंक।
विटामिन सी से भरपूर फल कौन सा है? ऑरेंज। गलत जवाब, गुआवा। एसएन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम क्या है? पास। ट्रिप्सिन। गजल, वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल में जर्मनी का मुकाबला किस टीम से हुआ? बेल्जियम से। करेक्ट। नए रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए लिवर यानी जिगर कौन से विटामिन का इस्तेमाल करता है? B12। करेक्ट। नया, पाकिस्तान के एटॉमिक ब्लास्ट की शिद्दत रिक्टर स्केल पर कितनी रिकॉर्ड की गई? 4.7। उज़ैर, मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। करेक्ट। नेहा, मैन इज बॉर्न फ्री बट ही इज एवरीवेयर इन चेन्स, ये अल्फाज किस मशहूर फिलोसोफर के हैं? रोज़ा। करेक्ट। शोएब, एक्सरे किसकी दरियाफ्त है? पास। विलहेम रोइंगटन। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोटिंग का, यानी आप वोट करेंगे किसी एक कंटेस्टेंट के खिलाफ। ये वो कंटेस्टेंट है जो रहेगा नहीं बल्कि यहाँ से जाएगा बाहर अपने घर। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। दुआ, इफ्तिखार, गजल, मुदस्सिर और नेहा की परफॉर्मेंस अच्छी नजर आई, लेकिन उज़ैर, नयाब और एहसन थोड़े कंफ्यूज नजर आए। अब मेजॉरिटी वोट्स क्या फैसला करते हैं, कौन होता है एलिमिनेट? और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद यू शोएब, आपने किसको वोट दिया है? नायाब को। नायाब क्यों? टाइम वेस्ट कर रही है। टाइम वेस्ट कर रही है, नहीं आता जी नायाब। मुझे तो लगता है ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगा इन्होंने टाइम वेस्ट किया? क्यों, उनकी शक्ल पे ही लग रहा है मुझे कि ये बहुत घबराए में। मुदस्सिर, नायाब, टाइम वेस्ट किया। उज़ैर से बात करते हैं। उज़ैर, आपका वोट किसके खिलाफ है? नायाब मैम, इन्होंने टाइम भी बहुत वेस्ट किया है और पास भी बहुत देर के बाद किया है। फौरन से पास भी नहीं किया जो हमारे लिए टाइम भी बच जाता। उज़ैर का जो वोट है वो नायाब के खिलाफ है, मुदस्सिर का भी नायाब के खिलाफ है, शोएब का भी। लेट्स टॉक टू नेहा। नेहा, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा भी वोट नायाब के खिलाफ है। आप कह रही है नेहा आपका वोट नायाब के पास जाएगा, मगर आपने मैसेज करके मुझे लिखा है एहसन। क्यों मैम? बाय मिस्टेक हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय मिस्टेक हो गया? मतलब यू नो इट टेक्स इट्स 4 लेटर्स AHSAN। इतना बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती इतनी बड़ी। जो आप मैसेज करते हैं वही फाइनल होता है और आपने किया है एसन को, तो वोट एसन का माना जाएगा। दुआ, एसन क्यों? इनको पता ही नहीं था कि आपने उनसे सवाल किया, लेकिन वो थोड़े से सुन्न हो गए बिल्कुल और टाइम वेस्ट किया हमारा बहुत। इफ्तिखार, फर्स्ट प्रायोरिटी पे नायाब। नायाब। शावेज, नायाब। नायाब शावेज, नायाब। एसन, दुआ। दुआ, गजल, नायाब। नायाब, मेजॉरिटी वोट्स नायाब आपके खिलाफ हैं, जिसका मतलब ये है कि आप वो कंटेस्टेंट हैं जो जीत गई हैं, जीत गई घर जाने के लिए, यहाँ रहने के लिए नहीं। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में सिर्फ राउंड 1 तक ही था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। एलिमिनेट हो गई हूँ फर्स्ट राउंड में ही और मुझे समझ नहीं आई सबने मुझे एलिमिनेट क्यों किया, और मैं आगे बढ़ना चाहती थी और आगे खेलना चाहती थी, राउंड पूरे करना चाहती थी, पर मुझे नहीं पता मेरे जितने भी साथी थे जो भी मेरे साथ आए सब ने मुझे एलिमिनेट कर दिया। ऑलराइट जी, 50,000 का टॉप प्राइस, पहली एलिमिनेशन हो गई है। मेरे साथ यहाँ 9 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, उनके बताती चलूँ कि आपकी बैंक की पोजिशन है 15,000 रुपये। 50,000 का टॉप प्राइस, आपने पहले राउंड में बुरा नहीं खेला, 15,000 जमा किए। अब हम बढ़ते हैं आगे, इस अमाउंट को मजीद बढ़ाते हैं। सेकंड राउंड का टॉप प्राइस है 75,000 रुपीस का इनाम और वक्त होगा 2 मिनट 50 सेकंड, यानी 10 सेकंड से वक्त कम हो जाएगा। मनी ट्रेल, गौर से सुनिएगा, ये राउंड गजल आपसे शुरू होगा। पहला सवाल होगा 1,000 रुपये के लिए, दूसरा 2,500 के लिए, तीसरा 5,000 के लिए, चौथा 7,500 के लिए, पांचवा 10,000 के लिए, छठा 25,000, सातवा 50,000, फाइनली आठवा 75,000 रुपये। अच्छा, इससे पहले कि हम राउंड 2 की तरफ बढ़ें, ज़रा मैं आप लोगों को रिलैक्स कर दूं। नॉट बैड, खेला बुरा नहीं। सुना है सबके सब हैदराबाद से आए हैं? यस मैम। रियली? यस। हाउ कम सब एक साथ हैदराबाद से, कैसे कराची वाले कोई नहीं, क्यों इफ्तिखार? मैम साथ तो नहीं आए, सब लोग अलग अलग आए हैं, लेकिन हैदराबाद का जरा नाम रोशन करने के लिए आए हैं कि हैदराबाद को भी थोड़ा लेवल पर लेकर आए हम लोग। कराची तो लाहौर तो होता ही रहता है। मैम आई एम डायलिसिस टेक्नीशियन एंड आई एम डूइंग जॉब एट तब्बा के डी इंस्टीट्यूट राइट नाउ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। दुआ, यस मैम, कहाँ से आए हो आप भी? हैदराबाद? जी मैम, हैदराबाद से। और आप क्या करती हो?
मैम BSc डन किया है और आई एम अ फैशन मॉडल। वाह, स्कोप है बहुत मॉडलिंग का। जी जी, बहुत ज्यादा एक्टिंग वगैरह सब कुछ बहुत होती है। अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये बताओ दुआ, वहाँ का सबसे इन स्पॉट क्या है, जो होता है ना हम लोग यहाँ कहते हैं बोट बेसिन चलो और ये और वो बड़ा हैपनिंग है, वहाँ क्या है? रानी बाग वहाँ क्या होता है? फेमस जगह है, वहाँ पे जू है और सबसे बड़ी जो जगह है हैदराबाद की वो रानी बाग ही है। उसके अलावा कहीं घूमने की जगह नहीं है। बाग, खाने पीने का भी सिस्टम है, खाने पीने का स्पॉट है, फनलैंड है, बच्चों के झूले वगैरह है, पार्क है, बहुत बड़ा जू हैदराबाद का सबसे बड़ा। उसके अलावा नेहा कहती है रानी बाग में कुछ नहीं है। मैम नेहा खुद वहाँ पर है इसलिए रानी बाग उसे पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, क्या मैम वहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ जू में कुछ जानवर रखे हुए हैं वो भी पुराने हो चुके हैं और फनलैंड है, दैट्स इट। तो आप कहाँ जाना पसंद करती हो हैदराबाद में? मैम हैदराबाद में एक ही चीज़ है, अगर आपने घूमना है तो बुलेवर्ड मॉल ही जाते हैं सब, वही एक ही चीज़ है हमारे पास। हैदराबाद की चूड़ियाँ भी तो मशहूर है। मॉल में तो वैसे बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग आए हैं और देखो मैंने आज कड़े भी पहने लेकिन कोई मेरे लिए चूड़ियाँ नहीं लेके आया। आपकी चूड़ियाँ मैम, आपकी साइज नहीं बताती हमें। नेक्स्ट शो में हम लेकर आएंगे मैम, सब लेकर आएंगे इंशाल्लाह हैदराबाद की। मैंने कहा आपके हाथ की साइज नहीं बताती ना। अच्छा सुना हैदराबाद की रबड़ी भी मशहूर है बहुत। कहाँ की? हाजी रबड़ी हैदराबाद की मैम। हाजी रबड़ी हैदराबाद की बहुत बहुत। बम्बई भी अच्छा है हमारा हैदराबाद का। क्या चीज़? बॉम्बे बेकर्स। वाह, हाँ हाँ, कॉफी जी। ओए, क्या कॉफी केक है, आई लव इट। कॉफी केक हम यहाँ तक तो कराची तक पहुंच ही जाता था, आई कैन जस्ट हैव द होल थिंग, इतने मजे का है। वैसे मैंने उनका चॉकलेट केक नहीं खाया, वहाँ का चॉकलेट केक कैसा है? मदरसा बहुत यम्मी मैम, बहुत जबरदस्त है। और हैदराबाद के कोई स्पेशल खाने हैं क्या? उजैर से पूछूंगी। जी उजैर, मछली है मुकीम की और छोटी गिट्टी पे है नईम की, ये है फेमस है वहाँ पे। दरिया की या समंदर की कौन सी मछली इस्तेमाल करते हैं? जामशोरों की भी मछली फेमस है काफी। वाओ, वहाँ की पल्ला मछली बहुत मशहूर है। पल्ला के ज्यादा नन्नू के छोले बहुत मशहूर है। नन्नू के छोले जी मैम। हमारे पास भी एक नन्ना है। हमारे पास इधर एक कैमरामैन है, उनका नाम नन्ना है, बहुत मशहूर है। तो नन्ना नन्ने को लेके जाएंगे, नन्नू के छोले खिलाने हैं। ऑल राइट जी, आगे बढ़ते हैं राउंड टू की तरफ। बट मुझे तो मुंह में पानी आ गया, मुझे एकदम भूख लगी और दिल चाह रहा है हैदराबाद चलो। वैसे रास्ता 1.5 घंटे का है, 2 आवर्स, ऑलमोस्ट 1.40 किलोमीटर है, तो 1 घंटा 40 मिनट में पहुंच जाते हैं। 1 घंटा 40 मिनट, नॉट बैड। तो चले जल्दी जल्दी इस शो को खत्म करते हैं ताकि आप लोग जल्दी से वापस घर पहुंच जाएं। लेट्स मूव ऑन टू राउंड नंबर 2। गजल, राउंड 2 की शुरुआत आपसे होगी। मनी ट्रेल आपको समझ आ गया? 75,000 का टॉप प्राइस, 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त। पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए मैं आपसे शुरू करने जा रही हूँ, आपके 2 मिनट 50 सेकंड शुरू होते हैं अब। दिल्ली में पुराना किला किसने तामीर किया था? शेरशाह सूरी ने। करेक्ट। गिलगित के करीब कौन सा सारे कदीमा मौजूद है? कारगा बुद्धा। करेक्ट। उजैर, बैंक। लॉर्ड आयरविन के पास ब्रिटिश दौर का कौन सा होता था? वायसराय ऑफ इंडिया। करेक्ट। लाहौर में वाके मोती मस्जिद कौन से मुगल हुक्मरान ने तामीर की? पास। जहांगीर। शोएब, किंग लियर किस अजीम मुसन्निफ का शाहकार है? विलियम शेक्सपियर। करेक्ट। इफ्तिखार पैसो कौन से मुल्क की करेंसी का नाम है? अर्जेंटीना। करेक्ट। दुआ, बेलारूस के कैपिटल का नाम बताएं? मिंस्क। करेक्ट। शावेज, बैंक। अरब लीग का हेडक्वार्टर कहाँ वाके है? पास। कायरो। एसन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन मनाया जाता है? 3 मार्च। करेक्ट। गजल, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कौन सी मशहूर सड़क पर वाके है? वॉल स्ट्रीट का। करेक्ट। मुदस्सिर, साइस्मोलॉजी में हम किस चीज का मुताला करते हैं? अर्थक्वेक्स का। करेक्ट। उजैर, बैंक। 5 कॉन्टिनेंट्स पर कदम रखने का एजाज पहली बार किसने हासिल किया? पास। कैप्टन कुक। नेहा, सबसे पहले पेंशन किस मुल्क ने मुतारिफ करवाई? जर्मनी ने। करेक्ट। शोएब, सोवियत यूनियन के आखिरी हुक्मरान का नाम बताएं? मिखाइल गोरबचार। करेक्ट। रिकेट से सूखे की बीमारी की वजह से कौन से विटामिन की कमी होती है? विटामिन डी। करेक्ट। दुआ, बैंक। CHCl3 किस चीज का एम्पिरिकल फॉर्मूला है? पास। क्लोरोफॉर्म। और यहां आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। पहले राउंड से मुझे लगा है कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन कहीं बीच में कुछ राउंड्स, मतलब कुछ एक चेन अच्छी चली और बैंक हुआ बीच में टूटी भी। लेट्स सी क्या होता है, बैंक का फिगर क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपने मुझे बताना है कि आप में से कौन सा ऐसा कंटेस्टेंट है जो मजीद आगे नहीं खेलेगा। आखिरी खिलाड़ी कौन के आखिर राउंड तक नहीं पहुंच जाएगा? एक एलिमिनेशन चाहिए मुझ तक वो नाम पहुंचाए जो आगे नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। नेहा और शावेज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, लेकिन उजैर और दुआ ने सही वक्त पे बैंक कहकर एक अच्छा अमाउंट सेव किया। अब देखना ये है कौन होता है एलिमिनेट। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। नेहा, लेट्स स्टार्ट विद यू, आपका वोट किसके खिलाफ? मैम मैंने दुआ को वोट किया है। क्यों?
मैम दुआ काफ़ी कंफ्यूज भी हो रही थी, उसने बैंक भी नहीं करा था फर्स्ट में, जबकि हमारी जो बैंक अमाउंट बच सकता था बट उसने बैंक नहीं किया। ओके दुआ से बात करते हैं। जी दुआ मैम मैंने बैंक किया था, मैंने बैंक किया था मैम, सेकंड टाइम में किया था, फर्स्ट टाइम में पास कर दिया था, टाइम ज़ाया हो गया। फर्स्ट टाइम पे मैंने आंसर दिया था, सेकंड टाइम पे बैंक किया था। ऑलराइट आपकी अपनी स्ट्रेटजी है ठीक है, लेकिन आपके खिलाफ एक वोट आ गया। आपका वोट किसके खिलाफ है? उज़ैर। उज़ैर क्यों? ये बिल्कुल ऐसे खड़े हुए और ना टाइम वेस्ट किया थोड़ा सा। खराब हूँ तो क्या, इससे गेम तो सही खेल रहा हूँ, बिल्कुल बैंक भी किया मैंने दो बार और सवाल के भी सारे सही जवाब दिए। खड़ा होना ये क्या मतलब है इससे, खड़ा होने से एक सही और एक गलत, मगर वक्त तो ज़ाया नहीं किया। फौरन पास किया था बैंक करके फिर पास किया था वही वही, लेकिन पास किया। जी मैम पास तो सही किया और एक पास किया। ऑलराइट लेट्स टॉक टू उज़ैर, आपका वोट किसके खिलाफ है? मैम एहसन। एहसन क्यों? मैम काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, बड़े डाइवर्स वोट्स चल रहे हैं, एहसन से बात करते हैं। जी एहसन। मैम मैं तो बिल्कुल ठीक खेल रहा हूँ। नहीं कंफ्यूज लगे थे आप मैम ने जब सवाल किया, आप कंफ्यूज थे बिल्कुल। और ऑल ठीक खेला है मैंने, हर क्वेश्चन का आंसर दिया। कंफ्यूज थे और काफ़ी लेट जवाब दिया है। कंफ्यूज तो आप, टाइम वेस्ट हुआ है। कंफ्यूज नहीं हूँ मैं तो टाइम। चले मुझे ये बता दें कि आपका वोट किसके खिलाफ है? दुआ। दुआ ऑलराइट। गजल। दुआ ने टाइम बहुत वेस्ट किया है। तो आपका वोट किसके खिलाफ है? दुआ। ऑलराइट शावेज से बात करते हैं। जी शावेज आपका वोट किसके खिलाफ है? दुआ। दुआ दुआ वोट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। इफ्तिखार का वोट किसके खिलाफ? मैम दुआ। दुआ आपको दुआ की ज़रूरत है मुझे लगता है। मेजॉरिटी वोट्स जो ये कह रहे हैं सही कह रहे हैं। यहाँ भी मेरे पास यही है कि ये वोट्स यानि तमाम टीम आपकी मिलकर मेजॉरिटी लोगों ने यही डिसाइड किया कि आप मज़ीद आगे नहीं खेलेंगी, ये राउंड आपका आखिरी राउंड है, राउंड थ्री में आप हमारे साथ नहीं होंगी। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों निकाला, मैं अपनी तरफ से अपना अच्छा खेल रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों इनको ऐसा क्यों लगा कि मैं नहीं खेल सकती, लेकिन मैं अच्छा खेल रही थी। इन लोगों ने मिलके मुझे निकाला है, एहसन है, गज़ल है और भी बहुत हैं, इन्होंने मिलके मुझे निकाला है। इनको नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं होती तो शायद मैं आखिर तक जाती। 75,000 का टॉप प्राइज और जो अमाउंट आपने बैंक किया है 17,500 रुपये। चेन टूटी, चेन बार बार टूटी, बट आई हैव फेथ इन यू गाइस। मुझे लगता है आप लोग बेहतर खेल सकते हैं और बेहतर खेलेंगे तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अगर तमाम देखने वाले इस वक्त हैदराबाद से बिलोंग करते हैं तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, और सब लोग यहाँ बड़े एक्साइटेड हैं और हैदराबाद वाले लोगों में मेरे ख्याल से जज्बा ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने कराची वालों के साथ भी एपिसोड किया तो थोड़े डल थे, आज मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है हैदराबादियों के साथ। सो होपफुली मैं भी बहुत जल्द हैदराबाद आऊँगी और किसकी किसके छोले छोले किसके नन्नू छोले नन्नू के छोले खाने आएंगे। कह मैं जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। लेट्स टेक अ वेरी वेरी शॉर्ट ब्रेक। जिन लोगों ने हमें अभी अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि इस वक्त हम राउंड थ्री में दाखिल हो चुके हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है 8 कंटेस्टेंट्स, 10 कंटेस्टेंट से एक खेल शुरू हुआ, 2 हो गए एलिमिनेट, और यहाँ हैदराबाद मेरे साथ मौजूद है। एनर्जी और वाइब एकदम अमेजिंग है, मुझे मज़ा आ रहा है, मुझे लगता है आज कोई तारीख बन जाएगी यहाँ, यानी ज़्यादा पैसा लेके जाएंगे आप लोग यहाँ से। राउंड टू को नहीं देख रही मैं, हाँ मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ, यानी मुझे लग रहा है कि राउंड थ्री बेहतर होगा। हम और हमारी कोशिश यही है कि हम हर शहर को मौका दें, क्योंकि कराची 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 तो कराची है, मगर हैदराबाद लाहौर पेशावर हैदराबाद तो हैदराबाद है, हैदराबादी है। सही बात है, कराची में खड़े हो कैसी बातें कर रहे हो लेकिन बात ठीक है, वी लव हैदराबाद, वी लव हैदराबादीज। और भी सिटीज से लोग हैं जो अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमें ईमेल करें बोल एंटरटेनमेंट की ईमेल एड्रेस पे और हमारे शो का हिस्सा बन जाएं। लेट्स मूव ऑन टू राउंड नंबर थ्री। राउंड नंबर थ्री का टॉप प्राइज है 1,25,000 रुपये, यानी अमाउंट बढ़ गया। जहाँ अमाउंट बढ़ा वहाँ वक्त कम, यानी 2 मिनट 40 सेकेंड का वक्त, वक्त क्रिटिकल है। बहुत सारे लोग अब वक्त की वजह से भी निकलते जाते हैं कि आपने वक्त ज़ाया लिया। अच्छा चले मनी ट्रेल गौर से सुनिएगा। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000,
तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवा 1,00,000, आठवा 1,25,000 रुपये। और ये जो चेन है ना, अगर नहीं टूटी तो इसी तरह अमाउंट बढ़ता रहेगा। अगर उजैर या नेहा ने चेन तोड़ दी तो शुहेब से फिर से पहले सवाल यानी 2,500 के नाम से शुरू होगा। तो कोशिश करिए चेन ना तोड़े। और आपके और 1,25,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। अगर हर एक कंटेस्टेंट ये अपने ऊपर ले लेता है कि वो हर सवाल का एक सवाल का जवाब सही दे बगैर चेन तोड़े, तो 1,25,000 और आपका बैंक दूर नहीं है, उसके बीच में बिल्कुल भी फासला नहीं होगा। तो शुरू करते हैं राउंड। मुदस्सर आपसे शुरू करेंगे। 1,25,000 का टॉप प्राइज, 2:40 का वक्त शुरू होता है अब। कराची टू क्वेटा नेशनल हाइवे को क्या नाम दिया गया? N25। करेक्ट। उजैर, कॉन्वेक्स लेंस के इस्तेमाल से हम कौन सी निगाह बेहतर कर सकते हैं, दूर की या नजदीक की? दूर की। करेक्ट। नेहा, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? लेजर की। करेक्ट। शोएब, नेपोलियन फ्रांस से कौन से आयलैंड में पैदा हुआ था? कोर्सिया। करेक्ट। इफ्तिकार, बैंक कौन से साल में सिकंदर आजम मैसेडोनिया के बादशाह बने? पास। 336 BC। शावेज, इंटरनेशनल मंकी डे कब मनाया जाता है? पास। 14th December. SN 17 Nation Games का इनकार कब हुआ था? 2014. Correct. गजल, बैंक कौन सा हिस्सा किसी भी कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? पास। CPU. मुदस्सर, रोम में यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी का हेडक्वार्टर वाके है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट। कोल्ड स्ट्रीम गार्ड्स आर्मी रेजिमेंट का ताल्लुक कौन से मुल्क से है? यूके से। करेक्ट। नेहा, किताब डॉक्टर जिवागो के मुसन्निफ का नाम बताएं। बोरिस पास्टरनेक। करेक्ट। शोएब, बैंक हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? पास। 6 August। इफ्तिकार, उर्दू में जूतियां चटखाना एक मुहावरा है, उसके माने क्या हैं? मारे मारे फिरना। करेक्ट। शावेज, बैंक 16 September 2019 को डबलिन में नेदरलैंड्स के खिलाफ 41 बॉल्स पे 100 करने वाले जॉर्ज मनसे का ताल्लुक कौन से मुल्क या टीम से है? पास। स्कॉटलैंड। एसन, सैटर्न के सबसे बड़े चांद का नाम बताएं? टाइटन। करेक्ट। गजल, कौन सा लॉ ऑफ मोशन फोर्स की सही तारीफ पेश करता है? यहाँ आपके 2:40 का वक्त होता है खत्म। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और आपका वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी आप मुझे एक नाम भेजें जो आगे राउंड में नहीं जाएंगे। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद हैं, नाम टाइप करें वक्त ज़ाया किए बगैर, और मुझ तक वो एक नाम पहुंचाएं जो अच्छा नहीं खेल रहा, जो वक्त ज़ाया कर रहा है, जो सही जवाब नहीं दे रहा, जो पास कर रहा है, जो वीक कंटेस्टेंट है, जिसकी वजह से आप बैंक में ज़्यादा पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। गजल, एहसन, शुएब और शावेज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। गजल, शावेज ने आसान आसान सवालों के दिए गलत जवाब। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। आई स्टार्ट विथ यू शावेज, आपकी नजर में सबसे वीक कौन? गजल। क्यों? बहुत स्लो खेल रही हैं। गजल, आप स्लो खेल रही हैं, आपको लगता है? मैम, इनको लगता है। और आपको क्या लगता है? कि मैं बिल्कुल सही खेल रही हूँ। दो दफा पास किया आपने, सही है, ये अच्छा खेल रही है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वेरी गुड, अच्छी बात है। और आपको क्या लग रहा है? शुएब। रीजन? वो थोड़ा स्लो खेल रहे हैं। शोएब से बात करते हैं। शोएब, आपका वोट किसके खिलाफ है? शावेज। रीजन क्या है? मैम, दो सवाल पूछे हैं, एक का भी सही जवाब नहीं दिया और सोच सोच के जवाब दे रहे हैं ना, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, सारी गेम है टाइम पे। इफ्तिखार, मुदस्सिर, क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं? मुझे पता नहीं क्यों, शायद वो जब राउंड सर्कल घूम रहा है तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं क्या सवाल होने वाला है मुझसे, और वो थोड़ा सा मुझे लग रहे हैं कि मैं कंफ्यूज लग रहा हूं तुम्हें, मुझे ऐसा कहां से कंफ्यूज लग रहा हूं, मुझे ऐसा मुझे तो तुम कंफ्यूज लग रहे हो। श्योर, आप कह सकते हैं? हाँ, मैं कह सकता हूं। आप भी ऐसे तुम कह रहे हो वैसे मैं कह सकता हूं, आप ऐसे कंटेस्टेंट खड़े हो, मैं भी ऐसे कंटेस्टेंट खड़ा हूं, आप मेरा नाम ले दीजिएगा जब आपकी बारी आएगी। बिल्कुल खड़े हो, मैम ने मुझसे पैसे दिए तो आप मुझसे अभी बहस ना करें, अभी मैम के आंसर का जवाब दें। बहस क्यों ना करूं? आपने मुझे एलिमिनेट क्यों किया? वोट आउट है। आपने मुझे एलिमिनेट क्यों किया? ओके, इनके कहने से आप एलिमिनेट नहीं होते, मगर इनके पास हक है कि किसी एक कंटेस्टेंट को वोट करें। ये बात इनको समझ नहीं आ रही है मैम, गेम का फॉर्मेट है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने अपना हक इस्तेमाल किया और आपको वोट किया है। मुदस्सिर के बारे में बताते चलूं, दोनों सवालों के जवाब ठीक और वक्त जाया नहीं हुआ। अब मुदस्सिर पे आते हैं। मुदस्सिर, आपका वोट किसके खिलाफ? शावेज। क्यों? क्योंकि वक्त जाया किया है। वक्त जाया किया। उजैर, बिल्कुल शावेज। नेहा, मैम शावेज ने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया है, तो आपका वोट शावेज के खिलाफ है? शावेज के खिलाफ है, जिसका मतलब ये है शावेज मेजोरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। तमाम कंटेस्टेंट्स की नजरें आपके ऊपर जमी हुई हैं और वो नहीं चाहते कि आप मजीद इस राउंड के बाद आगे बढ़े, तो आप यहां से फॉर श्योर हैदराबाद वापस जा रहे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ। आखिरी खिलाड़ी कौन?
मैं चाहता तो और भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया। और भी लोग गलत जवाब दे रहे थे, लेकिन सब ने मिलकर मेरा नाम लिया। और एक और एलिमिनेशन, जहां टॉप प्राइस था 1,25,000 रुपए, वहां आप लोगों ने बैंक किए हैं पहले से बेहतर एक्सेप्टेबल 40,000 रुपए। वेरी गुड, एक्सीलेंट 40,000 रुपए। बट आई नो फॉर फैक्ट दैट यू गाइस कैन डू बेटर। लेट्स मूव ऑन टू राउंड फोर। लेकिन इससे पहले राउंड फोर शुरू करते हैं। मुझे पता है कि यहाँ कोई पोएट्री करता है, कोई पोएट है, ऐसा ही है शोएब? जी जी बिल्कुल। कब से पोएट्री चल रही है? मैम बस जो सोचता हूँ फिर लिख लेता हूँ हल्का फुल्का। किसके बारे में सोच के लिखते हैं? जो दिल में आता है। दिल टूटा है, अक्सर लोग पोएट बनते हैं दिल टूट के, सिंगर बनते हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसा है? बस ऐसा ही है कुछ। कितनी दफा टूटा? एक बार ही टूटा है। और अच्छा वाला? बिल्कुल। बुरा वाला टूट गया? बहुत। कितने अरसे पहले टूटा? तकरीबन 4-5 साल हुए। उफ, और जुड़ा नहीं? बहुत लोगों ने जोड़ने की कोशिश की लेकिन दिल बस। अच्छा, आपने कोशिश की लेकिन? मैंने नहीं की, दूसरे लोगों ने कोशिश की कि जोड़ेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं बस। छोड़ो ना, भूलो, आगे चलो यार जिंदगी में। जिंदगी है, आगे चल रहे हैं ना। इतने दुख लेके कहाँ जाओगे? दुख मिला है तो दिल में होता है ना। आए हाय, तो फिर बताओ ना क्या सुनाओगे हमें? उसके लिए ही है जिसे तोड़ा है? जी बिल्कुल। वो आगे बढ़ गई जिंदगी, वो जी रही है, मैं उसी के दुख में गमजदा। ओके जी। मैम उनसे नजरें मिली, धड़कनों ने कहा, उनसे नजरें मिली धड़कनों ने कहा, दिल लगाने का मतलब समझ आ गया। लब पे इनकार था, दिल में इकरार था। लब पे इनकार था, दिल में इकरार था। उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। थोड़ा शर्मा के फिर सर झुका ही लिया, थोड़ा शर्मा के फिर सर झुका ही लिया। सर झुकाने का मतलब समझ आ गया। सर झुकाने का मतलब था कि नहीं, चले जाओ वापस। वही बात है ना, तब तो। ऑल राइट जी, एक्सीलेंट, लवली। और इस तरह के और भी लिखते रहते हैं आप? जी, सिंधी में भी लिखता हूँ, उर्दू में भी। रियली, सिंधी में कुछ सुनाओ। वैसे मुझे समझ नहीं आएगा लेकिन सुनाओ। चे तो तोखा जो धार थियासी तो पो कें जाना यार थियासी। तोखा जो धार थियासी तो पो कें जाना यार थियासी। हर कें पेंजो यार समझो पर असा न केंजा यार थियासी। सब नहीं समझा आखिर में बोला, लेकिन मैं नहीं किसी कहूँगा, किसी कहूँगा। इसका माने क्या था? ये मुदस्सर बताएगा, सिंधी है ना? हाँ नहीं, सिंधी नहीं हूँ लेकिन सिंधी समझते हो, बताओ। इन्होंने कहा कि जब से तुमने छोड़ा है तब से अकेला हूँ, सबने यार बनाना चाहा पर मैं किसी का यार नहीं हूँ। यार दोस्ती कर लो रहा सर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू राउंड फोर, जिसका टॉप प्राइस है 5,00,000 रुपए का इनाम। एकदम प्राइस बढ़ गया है, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होगा। 5,00,000, नजर आप प्लीज इस अमाउंट पे रखें, क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट आप जमा कर सकते हैं। कंटेस्टेंट 7 है मेरे पास, मनी ट्रेल वॉइस सुने। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1,00,000 रुपए, सातवा 2,50,000 के लिए और आठवा 5,00,000 रुपए के लिए आपके। और 5,00,000 के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। उजैर, ये राउंड आपसे शुरू करेंगे। 5,00,000 का टॉप प्राइस वक्त 2 मिनट 30 सेकंड, आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है। आप सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का ऐलान कौन से ईयर की 1 नवंबर को किया गया? 1922। करेक्ट। साइंस की वो कौन सी ब्रांच है जिसका इंजीनियरिंग में बड़ा अहम किरदार है? फिजिक्स। करेक्ट। शोएब, बैंक। अमोनिया के कौन से प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट तश्कील पाता है? अमोनिया सिल्वर। गलत जवाब, अमोनिया सॉल्वे प्रोसेस। इफ्तिखार, बायोलॉजी की वो शाख जो जानदार में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डेटा के इस्तेमाल से मुतालिक है, उसका नाम क्या है? पास। बायो टेक्नोलॉजी। एसन, उर्दू में 3 हरूफ भेजने का मतलब क्या है? लानत भेजना। करेक्ट। गजल, इकबाल के शेर सियालकोट से एक और मशहूर शायर का भी ताल्लुक है, उसका नाम बताएं? फैज़ अहमद। फैज़ अहमद, फैज़। करेक्ट। मुदस्सिर, जंगे बलकान कब हुई? 1912 एंड 1913 में। करेक्ट। उजैर, T20 क्रिकेट में सबसे पहली सेंचुरी बनाने का एजाज किस प्लेयर को है? क्रिस गेल को। करेक्ट। नेहा, बैंक। IAEA किस आलमी एजेंसी के नाम का मुखफ्फफ है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। करेक्ट। शोएब, टास कहां की न्यूज एजेंसी है? रशिया। करेक्ट। इफ्तिखार, बैंक। ग्रुप द ग्रेट लेक्स में कुल कितनी लेक्स शामिल हैं? पास। 5। एसन, जर्मनी की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी का नाम बताएं? यूनिवर्सिटी ऑफ हाइडलबर्ग। करेक्ट। गजल, थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? सियाम। करेक्ट। मुदस्सिर, मशहूर टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम बताएं? पास। रोलैंड गारोस। उजैर, बू अली सना यूनिवर्सिटी कहाँ वाकई है? ईरान में। करेक्ट। नेहा, 1996 में दुनिया को पेश की जाने वाली क्लोन शीप का नाम क्या है? डॉली। ये बताएं शिप, यह आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है। खत्म। गुड जॉब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, इसको कहते हैं टीम वर्क, जहां आपको पता होता है कि अब वक्त खत्म होने वाला है, जब एहसास होने लगता है कि 2 मिनट 30 सेकंड होने वाले हैं, तो उसने
तेजी स्मार्टनेस का मुजाहरा किया, बैंक कर दिया ताकि पैसे जो आपने जवाब दिया वो सेफ हो जाए आपके बैंक पर। अब वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, तो एलिमिनेट करें उस कंटेस्टेंट को जो वीक है, जो राउंड फाइव में आपके साथ नहीं जाएगा। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुदस्सिर, नेहा और उजैर की परफॉर्मेंस बेहतर रही। शुएब और इफ्तिखार ने अच्छा नहीं खेला, बार बार चेन तोड़ते रहे। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद यू उजैर, आपका वोट किसके खिलाफ? मैम गजल। गजल क्यों? मैम काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं और टाइम भी बहुत वेस्ट कर रही हैं। ऑलराइट नेहा से बात। चेन चल रही है तो वहां पे आके या तो टूट जा रही है या तो फिर ये टाइम बहुत ज्यादा लेके फिर जवाब दे रही हैं, तो इसलिए नहीं रहना चाहिए इनको नेक्स्ट राउंड के लिए। गजल ने दोनों जवाब सही दिए, टाइम बहुत लिया, वक्त लिया। नेहा। मैम गजल। ऑलराइट शुएब से बात करते हैं। जी शुएब। मैम इफ्तिखार क्यों? दो सवाल पूछे। मैंने दोनों बार बैंक किया है। एक सेकंड उसको पहले बोलने दो। जी दो सवाल मैम आपने पूछे हैं उनसे, लेकिन एक का भी सही जवाब नहीं दिया। मैंने दोनों बार बैंक किया है यार, क्या हो गया? बैंक तो किया है लेकिन आपको जवाब तो आना चाहिए ना। तो सेव की है मैंने, एक क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन जब नेहा ने बैंक किया तो आपको जवाब देना था ना। आपने क्यों बैंक किया जब आपको सवाल नहीं आ रहा है? आप टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, बैंक भी कर रहे हो फिर मैम सवाल कर रही है फिर आप सोच रहे हो। बैंक करके आगे गया हूँ ना मैं, बैंक के बगैर तो मैंने पास नहीं किया। पास करके चेन तोड़ी तो आप नहीं, इस तरह नहीं होगा, इस तरह तो गेम टीम वर्क नहीं हो सकता ना। ये तो टाइम कितना वेस्ट हुआ है आपने देखा है? नहीं नहीं, इसी कारण आप वही कर रहे हैं जो मुदस्सर आपके साथ पिछले राउंड में कर रहा था, उसके पास भी वही हक है। बात सही है, आपने दोनों okay, मैम कर सकते हैं, ये अपना वोट कर सकते हैं। तो फिर आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? मैम ये डायरेक्ट मुझ पर आए हैं, इतने सारे कंटेस्टेंट को छोड़ के डायरेक्ट मुझे, क्योंकि आप नजरों में मेरे साथ खड़े हैं, शायद मेरे साथ कॉम्पिटिटर करीब है ना, तो इसलिए ज्यादा फोकस है आप पे, फोकस शायद मुझ पर ज्यादा है, नजरें मुझ पर है इनकी। ओके जी आप बताएं आपकी नजरें किस पर है? मैम गजल। ओके गजल। एहसन। मैम मेरा वोट गजल को है। और गजल का वोट किसके लिए? मुझे। उजैर। मुदस्सिर से भी पूछ लेते हैं, बेचारा मुदस्सिर ही रह गया। जी मुदस्सिर। इफ्तिखार। रीजन बताएंगे आप? दो बार पास किया और बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट। एक बार तो आपने भी पास किया है, एक बार किया ना, और मैंने पहले तुमने सवाल दोनों में बार किया और तुमने प्लस टाइम भी, पहले सवाल में आपने भी। ओके डजंट मैटर गाइस, परेशान नहीं हो इफ्तिखार, क्योंकि मेजॉरिटी वोट्स तुम्हारे नहीं गजल के खिलाफ है, जिसका मतलब ये कि आप बाहर नहीं जा रहे। थैंक यू सो मच। आप नहीं जा रहे जिसके खिलाफ। मैम यहाँ दोस्तों के पीछे छुपे हुए दुश्मन नजर आ रहे हैं ना, इसलिए ये हैदराबाद का नाम डुबोने आए हैं यहाँ पे। That's great. क्योंकि सब पैसों के लिए खेल रहे हैं ये मैम, सब कंपीट कर रहे हैं। गजल मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि आप जा रही हैं वापस घर खाली हाथ। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ। आखिरी खिलाड़ी कौन? उजैर ने और नेहा ने मुझे एलिमिनेट किया, बहुत गलत किया। अगर मैं खेलती और मुझे इनाम मिलता तो मैं उसे अपनी वालदा को हज करवाती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सका। राउंड फोर का टॉप प्राइस था 5 लाख रुपए का इनाम, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी। नेहा क्या अमाउंट बैंक किया होगा? मैम एक्सपेक्टेशंस तो हाई हैं, मे बी 50-60 कर लिया होगा। 70। 70 का आधा कितना होता है? 35। बिल्कुल इतना ही किया है। बल्कि नहीं, इसमें भी 10,000 कम कर दो। 25,000 रुपये। परफॉर्मेंस गिर गई, पिछले राउंड में 40,000, इस राउंड में 25,000, बट इट्स ओके, लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक। राउंड फाइव का टॉप प्राइज आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, आप लोग कहीं मत जाएगा। मुझे मजा आ रहा है और मुझे लग रहा है हैदराबाद बहुत जीत कर जाएगा, तो आप लोग भी कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। आखिरी खिलाड़ी कौन? मैं बस यू गई और यू वापस आई। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद है, 4 एलिमिनेशन हो चुकी है, बैंक की पोजीशन सो है, एक्सपेक्टेशंस हाई हैं। 5वां राउंड का टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम, जो गलतियां हुई वो कवर हो सकती हैं इस राउंड में, लेकिन वक्त है 2 मिनट 20 सेकंड, यानी वक्त जाया करेंगे तो घर जाएंगे, और घर जाने में भी काफी वक्त लगेगा, 1 घंटा 40 मिनट की ड्राइव है, तो अच्छा लगेगा जब
पर्सनल गाड़ी में अच्छा लगेगा जब पैसों के साथ जाएंगे, है ना? थोड़ा डर भी लगेगा लेकिन पहुंच जाए अल्लाह करे पैसों के साथ। पैसे जीतते हैं तो हम लोग इंशाल्लाह साथ गेट टुगेदर पार्टी करके जाएंगे, और मेरा बर्थडे भी आज तो। ओह हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच मैम। ओह वाह, आपके लिए केक लेकर आए मैम, तो होप सो यहाँ कटिंग हो सके। अगर ये बताएं आप कितने साल के हो गए? मैम 30 इयर्स हो। ओह हाउ कूल, नेहा को तो शॉक क्यों लगा? नेहा मैम लगते नहीं है। थैंक यू सो मच नेहा। कितने साल के लगते हैं मैम? लेट 20s में लगते हैं, लेकिन 30 के नहीं लगते। थैंक यू या ये अच्छी बात है। या यू डोंट लुक 30 एट ऑल। थैंक यू सो मच, व्हिच इज अमेजिंग। ओके जी, लेट्स मूव ऑन। होगा क्या? 10 लाख का टॉप प्राइस, मनी ट्रेल। गौर से सुनिएगा, मैंने आपको बता दिया है कि वक्त है 2 मिनट 20 सेकंड का। मनी ट्रेल, पहला सवाल 2500 के लिए होगा, दूसरा 5000, तीसरा 10000, चौथा 25000, पांचवा 50000, छठा 2.5 लाख, सातवा 5 लाख रुपए के लिए, और आठवा 10 लाख। अब आपने सोचना है यार चार सवाल हो जाए उसके बाद मैं बैंक दबाऊँ। अगर ऐसा होता है तो आप लोग 25,000 रुपये बैंक में जमा हो जाएंगे। अगर 5 सवाल के बाद बैंक करते हैं तो 50,000। हर छठे सवाल पे बैंक करते हैं तो 2.5 लाख रुपये। आई थिंक हर 6 के बाद बैंक करें 2.5 लाख। और अगर 7वें सवाल तक बैंक करते हैं और वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आपको मिलेगा 5 लाख रुपये स्ट्रेट अप। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज। ये राउंड नेहा आपसे शुरू होगा। 10 लाख का टॉप प्राइज, 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। नेहा, बर्ड्स कॉन्टिनेंट कौन से कॉन्टिनेंट को कहा जाता है? साउथ अमेरिका को। करेक्ट। जोसेफ एस्टिन ने कौन सी मुफीद प्रोडक्ट दरियाफ की? सीमेंट। करेक्ट। इफ्तिकार, दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर का नाम बताएं? लैम्बर्ट। करेक्ट। कनाडा एंड यूएसए को कौन सा ब्रिज मिलाता है? एम्बेसडर ब्रिज। करेक्ट। मुदस्सिर, द ट्रायल किसकी तसनीफ है? पास। फ्रांस काफ्का। उजैर, साबिक उस्मानी शाही खानदान को वतन वापसी की इजाजत कब मिली? 1974। करेक्ट। नेहा, मूविंग चार्ज पार्टिकल्स की फिजिक्स क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। करेक्ट। शोएब, इनमें से मॉलिक्यूल की मिसाल कौन सी है, डीएनए या क्लोरोप्लास्ट? डीएनए। करेक्ट। इफ्तिकार, दुनिया के सबसे कम उम्र चांसलर बनने का एजाज रखने वाले फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियन का नाम बताएं? पास। सेबास्टियन कर्स। एसन, तारीख में अब तक यूएस के कुल कितने प्रेसिडेंट्स को इम्पीच किया गया? 3 को। करेक्ट। मुदस्सिर, नासा के आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज सफर करने वाले स्पेस प्लेन का नाम बताएं? X-59। करेक्ट। एक ही ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7th बैट्समैन का नाम बताएं? लियो कार्टर। करेक्ट। नेहा, बैंक मसात्सुकु असकावा एक बहुत बड़े आलमी बैंक के प्रेसिडेंट है, कौन सा बैंक है ये? एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट। 2 जून 2022 को हेलीकॉप्टर क्रैश के नतीजे में किस मुल्क के आर्मी चीफ हलाक हो गए? पाकिस्तान आर्मी। गलत जवाब, ताइवान। इफ्तिकार, 1 बैरल ऑयल में कुल कितने लीटर्स होते हैं? 158 to 159 लीटर। करेक्ट। एसन, हाल ही में आबी बुखारात के असरात मिलने वाले जुपिटर के चांद का नाम बताएं? यूरोपा। करेक्ट। मुदस्सिर, ये बताएं। और यहाँ आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वेल प्लेड, बट लेट्स सी बैंक में क्या अमाउंट जमा हुई। इससे पहले कि हम बैंक की तरफ बढ़े, मुझे आप बताएं कौन है वो कंटेस्टेंट जो आगे नहीं जाएगा, जो यहाँ से वापस लौट कर घर जाएगा। और आपके वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, मुदस्सिर काफी कंफ्यूज नजर आए, चेन भी तोड़ते रहे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत अमाउंट वेस्ट हो गया। अब देखना ये है कि कौन होता है एलिमिनेट। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद मुदस्सिर। शोएब के खिलाफ रीजन मुझे लगता है थोड़े से डम्ब हैं, और जो है कंफ्यूज हैं। शोएब डम्ब कह रहे हैं आपको? मैं तो सही हूँ, जवाब भी सही दे रहा हूँ। वैसे बात तो सही है, ये नहीं डम वाली बात नहीं कि पोएट जो होते हैं वो सोचते हैं, समझते हैं और लिखते हैं। आप भी सोच के जवाब देते हैं वक्त लगा के। ऑलराइट, शोएब से पूछते हैं। शोएब, आपका वोट किसके खिलाफ? क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं मैम, वक्त जाया कर रहा है। तीनों सवालों के जवाब दिए हैं, जवाब तो दिए, सोच के जवाब दिए ना, टाइम वेस्ट नहीं हुआ हमारा? टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। आपको लगता है? मुझे लगता है, तभी तो मैंने नाम दिया है। आपका वोट किसके खिलाफ है एसन? नेहा। नेहा क्यों? टाइम वेस्ट कर रही है। और नेहा का वोट किसके खिलाफ? एसन। दो वोट्स एसन के खिलाफ, दो वोट्स रहते हैं यानी उजैर और इफ्तिकार। किसको वोट करते हैं? दुआ करें, स्पीड देखा करें, दुआ करें कि इफ्तिकार और उजैर किसी को भी दें पर आपको ना दें। उजैर, मुदस्सिर। मुदस्सिर, मुदस्सिर के खिलाफ कितने वोट्स हैं? किसके से मुदस्सिर को वोट? एक ही है। मुदस्सिर सेफ है और डेंजर जोन में एसन है। इफ्तिखार, एसन। रीजन,
स्लो लगे मुझे थोड़ा सा इस राउंड में। चले तो गेम को तेज भगाते हैं। सन वक्त हो गया आपका जाने का। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। अगर आपकी इजाजत हो तो हम राउंड सिक्स शुरू कर लें। जी मैम। थैंक यू। मैं एक्चुअली बहुत अच्छा गेम खेल रहा था और राउंड फाइव में मुझे एलिमिनेट किया गया और लास्ट में पता क्या हुआ, पॉलिटिक्स हो गई, कुछ भी हुआ और उन्होंने मेरा नाम दे दिया और मुझे एलिमिनेट कर दिया। अभी बोल्टी का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें चांस दिया और हम उनके सेट पे आए। बहुत गेम में मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे। राउंड सिक्स में दाखिल हो गए हैं। टॉप प्राइस था 10 लाख का और जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है, चले मैं आपको बताती हूँ। मुदस्सर पहले बताएं कि आवाज़ सुना आपकी अच्छी है, सिंगर हैं, गाते हैं? थोड़ी बहुत। कब से शौक है गाने का? बस ऐसे ही, मतलब शौक या शौक किया। सुनाएंगे हमें कुछ? श्योर, व्हाई नॉट। क्या? लंबी जुदाई, रेशमा जी का। ओके। बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी याद क्यों आई, लंबी जुदाई चार दिन दा प्यारे ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई होंठों पे आई मेरी जान दुहाई, हाय लंबी जुदाई चारे दिन दा प्यारे ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। ओह हाउ लवली, एक्सीलेंट, जबरदस्त, इतनी प्यारी आवाज। थैंक यू। आपका भी कोई ये वाला प्रॉब्लम तो नहीं है? नो नो नो। शेप वाला कि पोएट्री इसलिए शुरू की थी? no, 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 no. गाना किसलिए शुरू किया? वैसे पेरेंट्स कितने परेशान होते होंगे ना कि हमने जान दे दी, हमने जिंदगी दे दी, हमारी वजह से कुछ शुरू नहीं किया, कोई जिंदगी में आके गया तब ही कुछ शुरू हुआ। ओके जी, देखें मूड अच्छा करने के लिए मैंने मुदस्सर से रिक्वेस्ट की, लेकिन अब आपका मूड होने वाला है ख़राब। 10 लाख का टॉप प्राइस है और आपने 10 लाख का 10% भी जमा नहीं किया, यानी 10% भी बैंक नहीं कर पाए आप लोग। 50,000 रुपीज का अमाउंट आपने बैंक किया है। आई एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम यू ऑल। तो राउंड सिक्स की तरफ बढ़ते हैं जिसका टॉप प्राइस है 15 लाख का इनाम। नाउ 5 कंटेस्टेंट्स हैं, तेजी से खेलो, सही जवाब दो, बैंक करो। टॉप प्राइस 15 लाख का, 2 मिनट 10 सेकेंड का वक्त। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2,500,000, सातवा 10 लाख और आठवा 15 लाख रुपए का इनाम। सो शुड वी स्टार्ट? शुएब, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 2 मिनट 10 सेकंड का आपका वक्त शुरू होता है अब। 328 दिन स्पेस में गुजारने वाली क्रिस्टीना कोच के ताल्लुक किस मुल्क से है? अमेरिका। करेक्ट। इफ्तिकार एपिस्टेमोलॉजी किस चीज का इल्म है? नॉलेज का। करेक्ट। मशहूर सिटी ऑफ कनाल्स किस मशहूर सिटी का दूसरा नाम है? वेनिस का। करेक्ट। उज़ैर, लाइट रेस के बेंडिंग का अमल क्या कहलाता है? पास। रिफ्रैक्शन। नेहा, टॉरस माउंटेन्स कहाँ वाके हैं? टर्की में। करेक्ट। शुएब, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किसे कहा जाता है? माइकल फैराडे। करेक्ट। मशहूर खेल टैकोंडो का अबाई मुल्क कौन सा है? कोरिया। करेक्ट। मुदस्सर, वो कौन से उस्मानी हुक्मरान थे जिन्होंने सबसे पहले सुल्तान का लकब अपनाया? बायजीद अव्वल। करेक्ट। उज़ैर, फेमस पॉलिटिशियन किम जोंग उन का ताल्लुक किस मुल्क से है? नॉर्थ कोरिया से। करेक्ट। नेहा, सार्क में शामिल सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? पास। मालदीव्स। शोएब, बिग बेन क्लॉक कहाँ लोकेटेड है? पेरिस। करेक्ट। वो कौन सा पहला मुल्क है जिसने जनवरी 2020 में कफाला सिस्टम का खात्मा किया? कतर। करेक्ट। मुदस्सर, इंसानी दिल के कुल कितने खाने होते हैं? 4। करेक्ट। उर्दू मुहावरा तस्वे बहाना का मतलब क्या है? झूठ मूठ का रोना। करेक्ट। नेहा, बैंक। टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेने वाले सबसे कम उम्र बॉलर का नाम बताएं?
पास। नसीम शाह, आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का, यानी वोट आउट करने का। वोट करें वीक या फिर स्ट्रॉन्ग को, जो आपका दिल चाहे, क्योंकि अब मंजिल करीब है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। मुदस्सिर, इफ्तिखार और शुएब की परफॉर्मेंस अच्छी रही। मुदस्सिर ने एक अच्छा अमाउंट सेव किया, लेकिन नेहा ने अच्छा नहीं खेला और कहा पास पे पास। जी जनाब, आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। नेहा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यू। आपका वोट किसके खिलाफ है इस राउंड में? मैम, उजर के खिलाफ। क्यों? मैम, उजर ने थोड़ा टाइम वेस्ट किया है। उजर? मैम, मैंने तो कोई टाइम वेस्ट नहीं किया, बल्कि यही पास पे पास किए जा रही है। एक आंसर नहीं दिया इन्होंने एक राउंड में। बट मैंने बैंक की है अमाउंट। बैंक करने से कुछ नहीं, टाइम भी वेस्ट हुआ और पास पे पास सवाल। अगर बैंक कर भी रही टाइम नहीं लिया है, अगर बैंक कर भी रही हैं आप, तो फिर क्वेश्चन का तो जवाब दें ताकि अमाउंट तो आता जाए। आप जवाब ही नहीं दे रही। पास पे पास पास अगर मैंने पास किया है तो मैंने टाइम नहीं लिया उसमें। पहले तो पास भी लिया ना, चेन टूट गई ना पास। मुझे लगा कि आपने ऐसा टाइम मैंने तो कुछ किया नहीं किया तो... मैंने तो दोनों सारे सवाल के सही जवाब दिए। आपने टाइम वेस्ट किया था, मुझे मैंने, लगा मैं भी देख रही हूं ये तो किसने टाइम वेस्ट किया और किसने नहीं किया और कौन अच्छा खेल रहा है। लेट्स मूव ऑन टू ज़ेर, आपका वोट किसके खिलाफ? हां, क्यों? मैम, बताया मैंने रीजन, पास पे पास किए जा रही हैं बार-बार। नेहा, ये राउंड आपका थोड़ा सा। शुएब, मुदस्सिर क्यों सवाल को समझ नहीं रहे हैं, बस पास किए जा रहे हैं। बंदा सवाल को समझेगा तो जवाब आएगा ना। मैंने कब पास किया? आपने पास किया है पहले सवाल में, आपने पास किया उसके बाद इस राउंड में मैंने एक ही पास किया। उसके बाद आपने कहा है बैंक, एक ही पास किया है बैंक, आपने कहा है बैंक, मैंने सेव किया। आपको पता है जब आप बैंक करते हैं ना हमारी चेन टूट जाती है। अगर आपको जवाब आता होगा आप 2 मिनट क्या मैंने कहा कुछ सेकंड आप सोचेंगे ना आपको जवाब आ जाएगा। तो टाइम नहीं है, 2 सेकंड बहुत होते हैं। आप गेम को ही नहीं समझे, 2 सेकंड बहुत होते हैं। नहीं, आप सवाल को समझें तो सही, आप सवाल को समझ नहीं रहे। आप कह रहे हैं बैंक, चेन हमारी टूट गई, फायदा तो नहीं है ना फिर आपका। बहुत बार आप भी तोड़ चुके हो। मुदस्सिर, आपका वोट किसके खिलाफ? उज़ैर। उज़ैर, 2 वोट्स उज़ैर के खिलाफ। इफ्तिखार, व्हाट अबाउट यू? मैं उज़ैर। मैंने एक भी जवाब गलत नहीं दिया मैम, आप देख सकती हैं। पास भी इन्होंने किया और मुदस्सिर नहीं किया, मैं तो सारे सवाल के जवाब जी। इफ्तिखार, थोड़ा सा स्लो थे मुझे लगा शायद ऐसा कि एनर्जी लेवल उनका थोड़ा सा कम हो गया। बहुत अच्छा खेल रहे हो मैम, ये आपके सामने आप खुद भी देख रही हैं। मैं फौरन जवाब दे रहा हूँ और हर क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया है। मैम, आपने कहा है कि ये तो कॉम्पिटिटर को यहाँ से निकालना है या फिर लूजर को, जो है पास कर रहे हैं। मैम, मैंने एक भी पास नहीं किया और मैं टाइम टू टाइम। उज़ैर, बहुत अच्छा खेल रहे हो, थ्रू आउट अच्छा खेलते आए हो, अभी भी अच्छा खेल रहे हो, लेकिन मेरे हाथ बंद गए हैं क्योंकि मेजोरिटी वोट्स आपके खिलाफ है। यही गेम का फॉर्मेट है कि यहाँ लोग बहुत स्मार्टली खेलते हैं, कभी कभार स्ट्रॉन्ग को भी निकाल देते हैं बाहर, जिसकी वजह से ये तो टीम वर्क हुआ सीधा सा। मैं तो नहीं 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 टीम वर्क ही कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, हम लोग कर रहे हैं ये देख लें। शुएब, अगर नहीं कर रहे आप पास पे पास आप किए जा रहे हैं, अगर टीम वर्क होता तो शुएब मुदस्सिर का नाम ना लेते। आपका शायद दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं रहा है। वोट आउट होकर आपका दिमागी तवाज़ुन भी दुरुस्त नहीं रहा। शुएब ने ये बात नहीं है, आप ही पास कर रहे थे जो पहले मुदस्सिर कर रहे हैं। मैंने एक भी सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। ओके नेहा, क्या कह रही थी आप? मैम, मैं ये कह रही थी अगर हमने पास भी किया है तो हमने अमाउंट जो है वो बैंक कर दिया था। हम सबको अलग अलग से फील हुआ है। बट बैंक करने का मतलब ये तो नहीं है कि आपको ये एजाज मिल गया है कि आप अब जवाब ना दे। जाहिर सी बात है क्योंकि वक्त भी तो ज़ाया हो रहा है ना। जब आपसे सवाल पूछा गया आपने वो पास बोल दिया, एक तो पहला बात वक्त ज़ाया हो, दूसरी बात अमाउंट ज़ाया हो गई। फिर अगर आप जवाब दे देती तो आगे बढ़ जाती है अमाउंट, अब अमाउंट फिर से जीरो से शुरू हुई। मैम जी, उज़ैर मैम ये कह रही हैं कि मैं बैंक कर रही हूँ तो अमाउंट सेव हो रहा है, तो अमाउंट खुद कमा थोड़ी रही है, ये तो हम लोग ही सही जवाब दे रहे हैं तो ये बैंक करके जो है अमाउंट सेव कर रही है। बात तो की है मैम, ये तो कोई बात ही नहीं है, इनको एलिमिनेट होना चाहिए। मैं तो 100% बिल्कुल सही खेल रहा हूं। मेजॉरिटी आपके खिलाफ है, मेजॉरिटी खिलाफ है, टीम वर्क है, ये मेजॉरिटी नहीं खेलाएगी। मैम खुद भी जानते हैं, आप हमें भी बीच में लेवेट हैं, आप खुद भी जानते हैं। मुदस्सिर आप कुछ समझाएं इनको, आप भी क्या समझाएंगे। मुदस्सिर खुद पास हमारे जा रहे हैं, आप ऐसे खामोशी से आप समझ से बाहर हैं। मैं आप खुद पास कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं आपके। मैंने एक ही बार पास किया है मैम, टीम वर्क है ये तो सीधा। उज़ैर आई एम सॉरी, जब मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ हो जाते हैं तो गेम छोड़कर जाना पड़ता है। इस वक्त जो कंटेस्टेंट गेम छोड़कर जाएगा वो उज़ैर आप। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आया हूँ यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन में, और मैंने 100% दिया, मैंने एक भी जो है सवाल का जवाब गलत नहीं दिया। इन्होंने टीम वर्क करके मुझे निकाला है। शायद इन लोगों को ऐसा लग रहा था
कि मैं ये लोग जो हैं मुझे एंड में आके जो है फ़ाइट नहीं कर पाएंगे मुझसे, और मैं ही जो है जितना भी बजट है सब मैं ले जाऊंगा, मैं ही आखिरी खिलाड़ी बन के जाऊंगा। तो इन लोगों ने टीम वर्क करके, इफ्तिखार ने, नेहा ने, मुदस्सिर ने, इन लोगों ने टीम वर्क करके जो है मुझे निकाल दिया। और इतनी मुश्किल से हम लोग जो है यहाँ तक, मैं इस राउंड तक आया था, इतने मैंने सही जवाब दिए उसके बावजूद भी इन लोगों ने मुझे निकाल दिया। 10 लाख का टॉप प्राइस पिछले राउंड का था, इस राउंड में टॉप प्राइस 15 लाख का। पिछले राउंड में आपने कमाए 50,000 रुपये, इस राउंड में भी आपने 50,000 रुपये ही कमाए हैं। 50 का एवरेज आप लेकर चल रहे हैं, लाखों में तो अभी तक आए ही नहीं। हम टॉप प्राइस बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन आपका एवरेज बस उधर ही है, वो बढ़ ही नहीं रहा, उधर से हज़ारों से ऊपर जा नहीं रहे। लेकिन चले एक मरतबा फिर मौका देते हैं आपको, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। यहाँ हमारे साथ 4 कंटेस्टेंट्स बचे हैं, देखना ये है कि अब 4 से 3 होते हैं वो कौन है कंटेस्टेंट जो इनको छोड़कर जाएगा वापस घर। देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और हम राउंड 7 में दाखिल हो चुके हैं। मेरे साथ नेहा, मुदस्सिर, शोएब, इफ्तिखार और सबके सब हैदराबाद से यहाँ मौजूद हैं। एक्सपेक्टेशंस हाई हैं, आई होप मेरी उम्मीदों पर पानी ना फेर दें। ऑलराइट, राउंड 7 का टॉप प्राइज है 20 लाख रुपये का इनाम। अब देखें जो आखिर की घड़ियाँ ना बहुत करीब आ रही है, तो आप जितना पैसा जमा कर सकते हैं उतने पैसे आप जमा कर लें। जहाँ टॉप प्राइज़ है 20 लाख का, वहाँ वक्त होगा 120 सेकंड का, यानी 2 मिनट का। पहला सवाल होगा 5,000 के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा 2.5 लाख, पांचवे पे बैंक दबाएं, छठा 7.5 लाख, सातवां सवाल 15 लाख और आठवां 20 लाख रुपए। ये राउंड इफ्तिखार आपसे शुरू होगा क्योंकि अब तक आपकी बारी नहीं आई। पैसे बताने का मकसद यही है कि आप लोग समझें कि आपके सवाल की वर्थ क्या है। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट यू, शुरू करें राउंड 7। श्योर मैम। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? यस मैम। राउंड 7 का पहला सवाल होगा इफ्तिखार से आपका, 2 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। सिख एम्पायर के पहले महाराजा रंजीत सिंह को क्या लकब दिया गया? शेरे पंजाब। करेक्ट। मुदस्सिर, अर्थक्वेक आने का असल मुकाम क्या कहलाता है? साइस्मिक फोकस। करेक्ट। नेहा, बैंक। ओजोन लेयर सूरज की कौन सी रेडिएशन से जमीन को महफूज रखती है? पास। अल्ट्रावायलेट रेज। शुएब, सोराइसिस के असरात इंसानी जिस्म पर कहाँ दिखते हैं? स्किन पे। करेक्ट। रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में अदालती जबान कौन सी थी? पर्शियन। करेक्ट। मुदस्सिर, ब्लाइंड स्पॉट इंसानी आंख में कहां पाया जाता है? ऑप्टिक डिस्क में। करेक्ट। नेहा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? जी मैम। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी की शॉर्ट फॉर्म क्या है? पास। सीडी रोम। शोएब, समर ओलंपिक 2016 में कुल कितने अकसाम के खेलों के मुकाबले हुए? 28 टाइप। करेक्ट। फातह मिस्र के बाद पहला उस्मानी कैलिफ कौन बना था? सलीम अवल। करेक्ट। फेमस ब्रिटिश फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग का इंतकाल कितनी उम्र में हुआ? 76 इयर्स ऑफ एज। करेक्ट। नेहा, द वे ऑफ द वर्ल्ड किसकी तहरीर है? विलियम कॉन्ग्रीव। करेक्ट। शोएब, FATF का फुल फॉर्म क्या है? पास। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स शाह वलीउल्लाह का असल नाम बताएं? अहमद। करेक्ट। मुदस्सिर, जमीन और स्पेस के एटमोस्फेयर को अलग करने वाला बॉर्डर क्या कहलाता है? कारमान लाइन। करेक्ट। नेहा, शाइनिंग पाथ किस मुल्क का एक मिलिटेंट ग्रुप है? यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म, यहाँ वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। चले जी, अपने वोट्स मुझ तक पहुँचाएं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे किसने क्या किया, कितना अच्छा किया और कितना बुरा परफॉर्म किया, बैंक में क्या अमाउंट सेव हुई और क्या पाया आपने और क्या गवाया। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, मुदस्सिर, शुएब, इफ्तिखार ने अच्छा खेला, लेकिन नेहा ने 2 बार बैंक कहकर अमाउंट तो सेव कर लिया लेकिन चेन तोड़ दी। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। नेहा, कैसा खेला आपने? नेहा, मैंने नहीं खेला सही से। किसने सही खेला? किसने सही खेला? ये 3 तो सही खेल रहे थे मेरे अलावा। जब सही खेला तो इफ्तिखार को क्यों वोट आउट किया?
मैं मुझसे जलती ही है। ओके असल में मैं 30 साल का भी होके 20 साल का लगता हूँ ना, तो इसलिए इनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है मुझसे, पता नहीं क्यों। अच्छा शायद मुझ मेरा फोकस मेरा गलत फहमी मेरा शाइन इन पे पड़ रहा है ना, इसलिए मैम थोड़ा सा वो गलत फहमी है आपकी। ऑल राइट इफ्तिखार, आपका वोट किसके खिलाफ? मैम नेहा। क्यों? मैम अब सातवें राउंड तक आ गए, अब निकल जाना चाहिए। इतने ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए इंसान को। मैम हलक खुश्क हो गया इनका, बोला नहीं जा रहा, छोटी सी है ना तो इसलिए इनकी आवाज नहीं निकल रही है। अब इनको जाके आराम करना चाहिए, साइड में बैठ के हमारा शो देखेंगे। अच्छा तो आप कहना चाह रहे हैं कि आप दादाजी हो गए हैं? कह सकती हैं आप। ओके गॉट इट। शुएब आपका वोट किसके खिलाफ? नेहा। क्यों? मैम अच्छा नहीं खेल रही अभी, पहले सही थी अभी एनर्जी बिल्कुल खत्म हो गई है। मुदस्सिर। नेहा। नेहा 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 नेहा, तीनों ने कहा नेहा। Do you agree नेहा? मैम she is a ये आप तो बीच में ना ही बोलें तो अच्छा है। मैम खुद इन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं पहले डल हो गई, मैं पहले थोड़ी सी। हाँ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीच में बोलेंगे, दोनों में से कोई भी बोल सकता है। पहले ही एक्सेप्ट कर चुकी है, जब अपनी बारी पड़ी तो फिर। लेकिन हमारा वोट आउट करना बनता नहीं। आपको बोलने का किसने बोला? आपने दे दिया ना वोट, आपका खत्म है। हमारा वोट आउट करना वैसे बनता ही नहीं है मैम। ऑलराइट खुद लूजर बन गई। नेहा श्रद्धा, ये राउंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं था। पास जवाब नहीं पता पास, और इसीलिए मेरे ख्याल से आप सबकी नजरों में आ गई और वक्त भी जाया किया। जी व्हाट इज द क्वेश्चन? इतना वक्त नहीं है कि सवाल मैं रिपीट करूं, सवाल रिपीट करने की वजह से भी वक्त ज़ाया हुआ। मजीद वरना हो सकता था कि मैं शोएब से पूछ सकती थी, इफ्तिखार से पूछ सकती थी, लेकिन वक्त ही नहीं रहा। तो बैंक नहीं किया पास, इस दफ़ा बैंक नहीं हुआ सही से। खैर जो कंटेस्टेंट यहाँ से बाहर जा रहा है राउंड एट की तरफ नहीं बढ़ पा रहा, नेहा वो आप हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट। आखिरी खिलाड़ी कौन? आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। लग जा गले के फिर चुप कर जाएं आप, आपसे पूछा नहीं है किसी ने, आपसे किसी ने नहीं पूछा है। ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो। ना हो लग जा गले। हाउ रूड इफ्तिखार बट नाइस वॉइस। सबसे पहले तो उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है कि पहले सारी लड़कियों को बाहर किया और खुद आखिर तक खेल रहे हैं सारे लड़के। उसके बाद मुझे गुस्सा इस बात पे है कि जितनी बदतमीज़ी वो सेट पे कर रहा था मुझसे, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की है उसने। मैं क्या ही बोलूँ कि मतलब एलिमिनेट करवा दिया यार, खेलना था लास्ट तक खेलना था। एक लड़की तो जाती आगे बट नहीं हो पाया। पहले से बेहतर मगर 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 अभी तक लाख की फिगर नहीं आई। टॉप प्राइस था 20 लाख का, जमा किया 85,000 रुपीस। मुझे मेरा आखिरी खिलाड़ी चाहिए इसलिए मैं बढ़ रही हूँ आगे राउंड एट की तरफ ताकि जल्दी ये ख़त्म हो और राउंड नाइन पे मुझे पता चले दोनों में से कौन है वो एक जो बन कर जाएगा यहाँ से आखिरी खिलाड़ी। मुदस्सिर अगर जीत गए तो क्या करेंगे पैसों का? क्या करूँगा नहीं पता। शुएब अगर जीत कर गए तो पैसों का क्या करेंगे? हम खाएंगे पिएंगे घूमेंगे। हाँ नाचेंगे गाएंगे फिरेंगे ऐश करेंगे और क्या जी। इफ्तिखार मैम फर्स्ट तो मेरी बर्थडे है तो सबको पार्टी दूंगा और सेकंड कुछ सब हैदराबाद से पार्टी करने के कुछ पैसे बच गए तो मैम उसमें फिर ये छोटी सिस्टर है वो बहुत तंग करती है, मरियम फातिमा उसका नाम है और वो खून पी जाएगी मेरा, उसके लिए कुछ सरप्राइजिंग ले लूंगा। ठीक है ऑलराइट जी, देखते हैं कौन जीतता है और किसकी ख्वाहिशात पूरी होती है। राउंड एट देखे जी, ये लास्ट राउंड है, अब इसके बाद पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। जो आपने जमा किए हैं कमाए हैं जो अमाउंट आपका बैंक में वो लेकर जाएंगे। मैम आप हैंड टू कैश देंगे या हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे? नहीं आपको चेक मिलेगा। अच्छा ओके अगर आप जीते तो। सो गाइस लिसन, लास्ट राउंड जीत लो, जमा कर लो जितना जमा कर सकते हो क्योंकि 30 लाख का टॉप प्राइज है, इसके बाद मजीद मौका नहीं मिलेगा। टॉप प्राइज 30 लाख का, वक्त 1 मिनट 50 सेकंड। मनी ट्रेल गौर से सुने, पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा सवाल 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां 25 और आठवां 30 लाख रुपए। अब आपने सोचना है 3 खिलाड़ी मेरे सामने मौजूद हैं,
एक अनाड़ी होगा बाहर, दो खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे। आपने सोचना ये है कि बैंक कब करना है, चौथे पे या पांचवे पे या फिर छठे पे। लेट्स सी कितना अच्छा और कितना खराब खेलता है कौन। तो शुरू करते हैं राउंड। मुदस्सिर आपसे शुरू होगा। 30 लाख का टॉप प्राइज। वक्त 1 मिनट 50 सेकेंड एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लॉन्ग वॉक फॉर फ्रीडम किस शख्सियत की ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला की। करेक्ट। बायोलॉजिस्ट ग्रास ने प्लास्मोडियम की लाइफ साइकिल कब दरियाफ्त की? 1898। करेक्ट। इफ्तिखार, जब बॉडी एक्सेलरेशन जीरो होता है तो इंस्टेंटेनियस और कौन सी वेलोसिटीज इक्वल हो जाती हैं? एवरेज वेलोसिटीज। करेक्ट। मुदस्सिर, आइसोटोप्स के मास नंबर और रिलेटिव अबंडेंस के लिए कौन सा मीटर इस्तेमाल होता है? मास स्पेक्ट्रोमीटर। करेक्ट। शुएब, दुनिया की सबसे कदीम पार्लियामेंट जो 930 AD में कायम हुई थी उसका नाम बताएं? पास। एल्थिंग ऑफ आइसलैंड। इफ्तिखार, पहली दरियाफ्त होने वाली एंटीबायोटिक का नाम बताएं? पेनिसिलिन। करेक्ट। मुदस्सिर, बैंक। Amazon River Dolphins का दूसरा नाम क्या है? पास। Pink River Dolphins। Shoaib, सल्तनत उस्मानिया में यानी चारी किसे कहते हैं? पैदल फौज। करेक्ट। इफ्तिखार, ब्लैक रिवर कहाँ वाके है? जमैका। करेक्ट। मुदस्सिर, फाइनेंशियल प्लान फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम का आसान मतलब क्या है? बजट। करेक्ट। शोएब, ICC का कयाम कब अमल में आया? 1909 में। करेक्ट। इफ्तिखार, सबसे पहला पर्शियन अखबार का नाम बताएं? मीरातुल अखबार। करेक्ट। मुदस्सिर, फ्रांस के ताल्लुक रखने वाली नाइटिंगेल फ्लोरेंस पेशे के लिहाज से क्या थी? नर्स। करेक्ट। शोएब, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश की तहरीर करदा किताब का नाम क्या है? पास। डिसीजन पॉइंट। इंडियन ओशन में वाकई यूनाइटेड स्टेट्स के मिलिट्री बेस का नाम क्या है? आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। वक्त शुरू होता है वोटिंग का, यानी आपने अपने में से किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर निकालना, यानी वोट आउट करना, यानी एलिमिनेट करना, यानी माइनस करना, ताकि आपके सामने खड़ा हो सिर्फ एक खिलाड़ी, क्योंकि आगे जाएंगे राउंड 9 में सिर्फ 2 खिलाड़ी। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। इफ्तिखार, शुएब और मुदस्सिर की परफॉर्मेंस बेहतर रही। शुएब और मुदस्सिर काफी कंफ्यूज नजर आए, काफी बार पास भी कहते रहे। और आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। मेरे पास तमाम वोट्स आ चुके हैं। इफ्तिखार का वोट, शुएब का वोट, मुदस्सिर का वोट, और जो कंटेस्टेंट आप में से जा रहा है वो शुएब आप हैं। क्या हुआ, उनको क्यों दे रहे हैं? देख रहे हैं इफ्तिखार को क्यों देख रहे हैं? मैम, इनको भी मुझसे मोहब्बत हो गई। मैम, लेकिन से पहले थी नेहा, उनको भी हुई थी, इनको भी हो गई है। जी शोएब, दोनों ने मुझे ही वोट किया होगा तो तभी इनको देख रहा हूँ। पहले नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि दोनों ने आपको वोट किया। मैंने कहा जो शख्स जा रहा है वो आप, लेकिन कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है या शो छोड़ के जा रहा है, ये तो मैंने नहीं बताया। हो सकता है आगे जाऊँ। वो कंटेस्टेंट जो शो में आगे बढ़ रहा है शोएब, वो आप हैं, यानी आप फॉर श्योर राउंड 9 में दाखिल हो गए हैं। आपके खिलाफ मेजॉरिटी वोट नहीं है। अब जो कंपटीशन है वो इफ्तिखार और मुदस्सिर के दरमियान है। आप दोनों में से कोई एक कंटेस्टेंट है जो आगे नहीं बढ़ेगा, वो कंटेस्टेंट जो आगे नहीं बढ़ रहा है शोएब बिल्कुल आपके साथ है। नाम लेंगे आप? इफ्तिखार, राउंड 1 से लेकर राउंड 8 तक इतनी एनर्जी, और अब फिनाले से पहले इतनी कंफ्यूजन, टेंशन। मैम, मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर सही, इसलिए तो आप आगे जा रहे हो। मुदस्सिर, आप हैं वो कंटेस्टेंट जो खाली हाथ वापस लौटेंगे। बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें? आपके जाने की खुशी नहीं, खुद के रुकने की खुशी है। अच्छा, थैंक यू सो मच मुदस्सिर, आपने बहुत अच्छा खेला, और अब आपका सफर आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक। शुक्रिया। बहुत अच्छा खेला मैंने, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आई कि क्या पॉलिटिक्स हुई और लास्ट में मुझे एलिमिनेट कर दिया गया और निकाल दिया गया, किस तरह से हुआ कुछ समझ में नहीं आया मुझे। और ये है कि बस मैंने अच्छा खेला, लास्ट राउंड तक पहुंचा मैं, 8वें राउंड तक पहुंचने के बाद एलिमिनेट हुआ, तो थोड़ा सा मुझे हर्ट हुआ। और क्या पॉलिटिक्स थी, किस तरह से ट्रेजेडी की गई, कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट किया था। और जिस वक्त का था मुझे और मेरे व्यूअर्स को इंतज़ार, वो वक्त आ चुका है, यानी राउंड 9, जहां शुएब और इफ्तिखार कंपीट करेंगे उस अमाउंट के लिए जो अमाउंट आपने राउंड 1 से लेके राउंड 8 तक जमा किया। लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि राउंड 8 में जो अमाउंट बैंक की है वो क्या है। 30 लाख का टॉप प्राइज था। जो अमाउंट बैंक किया है वो है 3,10,000 रुपये। इतना ज़्यादा भी नहीं, लेकिन नॉट बैड, नॉट बैड।
जो टोटल अमाउंट आपने बैंक में जमा किया है राउंड वन से लेके एट तक, वो अमाउंट है 5,92,500 रुपये, जिसके लिए आप दोनों खेल रहे हैं। इफ्तिखार कह रहे हैं बस जी, इफ्तिखार बस जैसा खेलोगे वैसा मिलेगा। लेकिन यहाँ आपको बोल टेलीविजन नेटवर्क मौका देता है कि इस 5,92,500 रुपये को 3 गुना ज़्यादा करवा कर यहाँ से आप में से कोई एक जीत कर जाए 17,77,500 रुपये। ये आपके हाथ में होगा। क्या आप में से जो भी कंटेस्टेंट 1.5 मिनट के अंदर जीत जाता है, जो भी अगर 1.5 मिनट के अंदर के टाइम लिमिट में जीतते हैं, तो वो आपका जो अमाउंट है वो 3 गुना ज़्यादा कर देंगे। लेकिन अगर 1.5 मिनट के बाद विनर अनाउंस होता है, तो जो अमाउंट बेस अमाउंट है 5,92,500 रुपये, वो आप लेकर जाएंगे। अब आपके ऊपर है, जल्दी जल्दी खेलेंगे तो ज़्यादा अमाउंट मिलेगा, आराम आराम से खेलेंगे तो देयर इज़ नथिंग टू लूज। खेलना कैसे है सवाल ये होगा आप लोगों का। बैंक नहीं करना, पास करेंगे तो आपका नुकसान, पास कर ही नहीं सकते। या तो जवाब सही है या तो जवाब गलत है। आपसे 10 सवाल पूछे जाएंगे, यानी 5 आपसे इफ्तिखार और शुएब, 5 आपसे। आपकी स्क्रीन पे तमाम चीज़ें नजर आएंगी, यानी सही जवाब देंगे तो टिक, गलत जवाब देंगे तो क्रॉस। आपने यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब दें, और जो कंटेस्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देगा वो जीत कर जाएगा यहाँ से बड़ा इनाम, और कहलाएगा आखिरी खिलाड़ी कौन, जिसकी मुझे और मेरी टीम और हमारे देखने वालों को है तलाश। तो शुरू करें क्या राउंड 9? इन केस ऑफ टाई, जब आप दोनों एक ही नंबर पे खड़े होंगे तो टाई ब्रेकर सवाल पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। शोएब आपसे शुरू करेंगे राउंड, और आपका 1 मिनट 30 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड की नॉर्मली रेंज क्या होती है? 9.35 टू 9.45। गलत जवाब 7.35 टू 7.45। इफ्तिखार, उर्दू मुहावरा फाख्ता उड़ाना का मतलब क्या है? मजाक उड़ाना। करेक्ट। शोएब, वर्ल्ड साइंस डे कब मनाया जाता है? 10 नवंबर। करेक्ट। इफ्तिखार, 2019 के दिसंबर में हलाक होने वाली एना करीना कौन थी? डॉक्टर। गलत जवाब एक्ट्रेस। शोएब, वेस्टर्न अफ्रीका की जानब से कुछ अरसे कबल ऐलान की जाने वाली करेंसी का नाम क्या है? ईसीओ। करेक्ट। इफ्तिखार, जापान की जानब से लॉन्च किया जाने वाला दुनिया का पहला लिक्विड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट शिप का क्या नाम है? सुसु फ्रंटियर। करेक्ट। शोएब, मलाला यूसुफजई को दुनिया की मशहूर कम उम्र शख्सियत होने का एजाज कौन से साल में मिला? 2016 में। गलत जवाब 2019। इफ्तिखार, सल्तनत उस्मानिया के टोटल हुक्मरानों की तादाद कितनी है? 37। करेक्ट। तो यहाँ हम वक्त को जरा पॉज करके आप लोगों की परफॉर्मेंस पे नजर डालते हैं कि इस वक्त क्या सिचुएशन चल रही है, किसने कितने सही और किसने कितने गलत जवाब दिए हैं। शोएब, आपसे 4 सवाल किए गए, 2 सही 2 गलत। इफ्तिखार से भी 4 सवाल किए गए, 3 सही और 1 गलत। इस वक्त अगर हम देखें तो इफ्तिखार विनिंग पोजिशन में है, लेकिन यहाँ आखिरी खिलाड़ी कौन है यहाँ का कुछ पता नहीं होता। हर लम्हा हर घड़ी कुछ नया कर डालती है। सो लेट्स सी, जीतता कौन है, इफ्तिखार या फिर शोएब? यू हैव टू गेट दिस राइट टू एक्चुअली टाई, ताकि आप एक टाई पोजीशन पे आ जाए। आर यू रेडी? यस। वक्त को रिज्यूम करते हैं। कुछ ऐसे कबल दुनिया का कदीम तरीन आर्टवर्क कहां से दरियाफ्त किया गया? इंडोनेशियन कैप से। करेक्ट। इफ्तिखार, गलापागोस आइलैंड्स में किस मुल्क ने इमरजेंसी डिक्लेयर की है? इक्वाडोर ने। बिल्कुल सही जवाब, विच मींस आज का आखिरी खिलाड़ी, आज का विनर है इफ्तिखार फ्रॉम हैदराबाद। वेरी वेल प्लेड शोएब, यू आर फैंटास्टिक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यहां से आज आप लेके क्या जा रहे हैं, क्योंकि 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो गया, फैसला हो चुका। तो यहां से आप इफ्तिखार जीत कर जा रहे हैं 17,77,500 रुपए। कांग्रेचुलेशंस हैदराबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। इसी के साथ हमारे आज के शो का वक्त होता है खत्म। आपसे फिर मुलाकात करेंगे आखिरी खिलाड़ी कौन के नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।